एचआईवी और एड्स से जुड़े हुए हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आई होप आपने वो सारे वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो डोंट वरी, आप उन्हें आसानी से हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं। मैं उस बारे में बताऊंगा कि आप कैसे कहां पर जाकर उनको बहुत आसानी से उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं जिनमें हमने एचआईवी और एड्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दी है। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में, कुछ जानकारी भी आपको देंगे एचआईवी और एड्स के बारे में, बिकॉज आज है वर्ल्ड एड्स डे। 1 दिसंबर 1988 को ये निश्चित किया गया पूरी दुनिया में कि इसको एचआईवी और एड्स की अवेयरनेस के तौर पर इस दिन को मनाया जाए, बिकॉज ये बीमारी धीरे धीरे फैल रही थी उस समय। और फिर माना यह गया कि अगर इस बीमारी से रिलेटेड अवेयरनेस, लोगों को जागरूकता नहीं हुई या उसको इसके बारे में नहीं पता चला कि कैसे ये बीमारी एक से दूसरे में जाती है, तो लोग इस बीमारी की गिरफ्त में आते चले जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस बीमारी से बचने के क्या क्या तरीके हैं या हम कौन सी ऐसी सावधानियां बरतें जिससे कि हम इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। और ये बहुत आसान भी है, इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत सारे डिस्कशन किए भी हैं। एचआईवी और एड्स में डिफरेंस भी होता है, इसको भी आपको समझना है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। दूसरी बात ये कि जहाँ पर हम एचआईवी के मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं, चाहे मेल टू फीमेल हो, फीमेल टू मेल हो या मेल टू मेल हो, इसके बहुत सारे तरीके हैं, कारण हैं जिनकी वजह से ये एक से दूसरे में चला जाता है और इससे आप बहुत आसानी से भी बच सकते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन इस बीमारी से बचने का है कि आप प्रोटेक्शन का यूज़ करें, यानी कॉन्डम का यूज़ करें, देन यू कैन गेट रिड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम और बहुत आसानी से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। बट दूसरे मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी हैं जिससे ये बीमारी हमारे अंदर आ सकती है, तो उन पर भी डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है और उन पर हमने आपके सवालों के जवाब भी बहुत सारे दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्ले लिस्ट में ज़रूर जाएँ। जब भी किसी चैनल को हम क्लिक करते हैं तो उसकी एक खास पिक्चर होती है उस चैनल की, तो इस चैनल पर भी देखा होगा आपने कि मैं एप्रिन में हूँ। अगर आप उस पिक्चर को क्लिक करते हैं तो वहाँ से आप सीधे होम पेज पर पहुँच जाएंगे इस चैनल के, और वहाँ पर आपको लिखा दिखेगा ऊपर की साइड में होम, वीडियोज, फिर प्लेलिस्ट, तो आप सीधा प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको वहाँ पर एचआईवी से रिलेटेड वीडियोज़ मिलेंगे, आपको हाइड्रोसिल से जुड़े हुए वीडियो मिलेंगे, आपको और दूसरे जो मेजर टॉपिक हैं आई रिलेटेड वीडियो और या फिर दूसरे कोई और, वो सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, जिसमें एक क्लिक से आपको वो सिर्फ वो वीडियोज़ की लिस्ट मिलेगी जो आप देखना चाहते हैं। तो अगर आपको एचआईवी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें और वहाँ पर जाकर आप एचआईवी से जुड़े हुए जो अब तक आपने मुझे कमेंट्स ऑप्शन में जो कमेंट किए हैं अलग अलग डिफरेंट तरीके के, उनको मैंने लेकर उन पर भी वीडियोज़ बनाए हैं, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल वो वीडियोज़ रहेंगे, उसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि जो सवाल मन में अगर आपके आ भी रहे होंगे एचआईवी रिलेटेड कि कैसे ये एक से दूसरे में चला जाता है, कैसे हम बच सकते हैं, क्या ऐसे ये हो सकता है, क्या इस तरीके से भी ये एचआईवी हो सकता है, वो सारे सवालों के आपको जवाब वहाँ से आसानी से मिल जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट करें, वहाँ पर आपको सारी जानकारी एचआईवी से रिलेटेड मिल जाएगी। एचआईवी से रिलेटेड हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर तो लेते ही हैं या फिर यूट्यूब चैनल से लेते हैं, लेकिन कभी कभी आपका मन ये भी करता होगा कि कुछ सवाल हमारे ऐसे हैं जो हम सामने बैठकर पूछें या कुछ ऐसी जिज्ञासाएं हैं जिनके बारे में हम कुछ सवाल उनको जानना चाहते हैं, तो ऐसे सेंटर्स पर भी आप जा सकते हैं। वो अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ICTC के नाम से हैं, यानी इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, और वहाँ पर आप जाकर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, एचआईवी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका वहाँ पर आप रख सकते हैं। अगर आप अपनी जांच कराना चाहते हैं चाहे कि तो भी करा सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है। अगर आप किसी ब्लॉक स्तर पर रहते हैं, तालुका में रहते हैं, तो वहाँ पर भी ये सेंटर्स ICTC उपलब्ध हैं, आप वहाँ भी जा सकते हैं और वहाँ पर भी अपनी जांच करा सकते हैं, वो भी टोटली फ्री। इसके बारे में एक चीज़ और बता दूँ कि आज के समय में जो मंडल स्तर के हॉस्पिटल्स हैं उसमें ART सेंटर भी खुल गए हैं, उसको हम बोलते हैं एंट्री रिट्रोवल थेरेपी, वो उन पेशेंट्स को दी जाती है जो पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं, यानी जो HIV पॉजिटिव होते हैं। तो ये सुविधा भी अब चालू हो गई है और कुछ समय से, पिछले कुछ सालों से ये सेंटर्स बन गए हैं मंडल स्तर पर। तो ऐसी अगर कोई समस्या आपके साथ है या फिर आप HIV पॉजिटिव हैं तो आप वहाँ जाकर ये मेडिसिन भी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वहाँ से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट तो यही था कि हम एचआईवी के बारे में बात करें और एचआईवी क्या है, कैसे ये फैलता है,
इसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन रखें, दूसरों को भी समझाएं, बिकॉज आज के समय में ये इन्फॉर्मेशन रखना बहुत ज़रूरी है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स कौन कौन से हैं, उनका कैसे यूज़ होता है और किस समय कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव हमें यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बिकॉज कॉन्ट्रासेप्टिव्स की जानकारी अगर आपको आज होती है तो आप फ्यूचर में बेटर प्लानिंग कर सकते हैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। तो इन सारे इश्यूज़ पर आप बात कर सकते हैं, चाहे उन सेंटर्स पर जाकर, चाहे फिर आप यहाँ पर इस चैनल पर रहकर। कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, बट अगर फिर भी आपके आज के समय में कोई अपडेट सवाल है तो आप मुझे वो कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, या फिर आपके लिए मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा उसी टॉपिक पर जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सवाल करेंगे। तो जितने भी कमेंट आप मुझे करते हैं ऑलमोस्ट मैं सभी को पढ़ता हूँ, आप देखते भी होंगे कि मैं सभी को रिप्लाई भी करता हूँ, बट हो सकता है कि किसी एक टॉपिक को हमने अभी तक मिस किया हो, अदरवाइज मैंने सारे टॉपिक को यहाँ पर शामिल किया है अपने वीडियोज़ में। तो अगर कुछ ऐसा सवाल आपका है HIV से रिलेटेड, कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड, तो उनको आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। तो आज का दिन जो वर्ल्ड एड्स डे है HIV के बारे में है, तो उसके लिए आप अपने नज़दीक के अस्पताल, सरकारी अस्पताल में ज़रूर जाएं। आज सब जगह इसकी अवेयरनेस के लिए बहुत सारा कुछ काम किया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जाएगा और आप अपने बेफिक्री से वहां जाकर सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर आपके उसके अलावा कोई सवाल है तो यहाँ तो आपका वेलकम है, आप मुझे यहाँ पर भी सवाल कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली में शामिल हों, जिससे आप हमें कमेंट कर सकें और हम फिर उनके जवाब दे सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।